मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट खासकर, हमें भी खुद हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमें भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना एरिया उसका हो सकता है। ये ग्लेशियर से भरा है गली, इसको क्रॉस करना है हमने तो फिर हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अचानक से बहुत तेज़ हवाएँ आ जाती हैं तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं पहले। जो है शोएब भाई जो है अपने बैग पैक के साथ लैस हो रहे हैं। बहुत अलग अलग किस्म के फूल, मतलब सामने क्या हरियाली है और बीच में फूल। पर ये देखिए ये हमारा आगे वाला एरिया, ये कवर करना है, कितना डिफिकल्ट है, टोटल पत्थर के ऊपर चल के जाना है। क्योंकि हमने अब वेट भी खुद उठा लिया। तो भाई यहाँ पे हमने गोड़ू से जो अपना सामान अनलोड किया था, क्योंकि ये पूरा पथरीला रास्ता है तो गोड़ू को यहाँ पे चला नहीं जा रहा है, और पूरा सामान हमने जो है अनलोड किया है, फिर घोड़ों को किसी सेफ जगह से लेके जाना पड़ेगा। तो हमने जो है घोड़े वाले भाई उनको बुला के हमारा सामान उतारो, क्योंकि यार ये जानवर है, इसको भी जो है सज़ा नहीं देनी है। तो जहाँ तक हम सामान ले सके लेंगे, बाकी अभी जो है शोएब भाई जो है अपने बैग पैक के साथ लैस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है हमारे लिए यहाँ से ऊपर की ओर आना। आप ये देख सकते हैं ऊपर, बिल्कुल यहाँ से अगर ज़रा सा भी स्लिप होता है तो जान जोखिम में पड़ सकती है। क्या लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और पीछे का तो कोई नहीं सोच रहा है, आगे ही जाना है, आगे ही बढ़ना है इंशाल्लाह। वो सामने टॉप पे आप कैमरा लगाए शोएब भाई जी, जी उसके जस्ट साथ में है बहुत बड़ा जो है लेक है, बहुत बड़ी, अच्छा, लेक, बहुत बड़ी लेक है। अच्छा ये देखिए अभी भी बर्फ जो है वो तो कहीं ख़त्म होने का नाम ही ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने ट्रैकिंग की मगर अभी भी हमारे, देखिए ये टीम के कुछ मेंबर वो बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको जितना जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की। मेरे साथ इस वक्त हैं राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, फ्रेंड है जी। राशिद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अमेजिंग, पिछले 2-3 दिन से हम इन खूबसूरत रास्तों से गुजर रहे हैं, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत जो है झरने, नदियाँ, तो यहाँ की जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है भाई। और स्पेशली साथ में एक मोटिवेट करने वाले बंदे शोएब भाई हैं, शाहिद भाई हैं, पूरा ग्रुप जो हमारा है एक एनर्जेटिक है, हौसला रखता है इस ट्रैक को करने का। तो बहुत ही टफ हो रहा है हमारे लिए, कि अभी देखिए अभी हम जहाँ पहुँचे हाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है यहाँ, और चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि हमने अब वेट भी खुद उठा लिया। जी मैं ये जो नज़ारा है ना, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिए बहुत अलग अलग किस्म के फूल, मतलब सामने क्या हरियाली है और बीच में फूल, खूबसूरत मंजर है। देखिए आप ये पहलगाम, गुलमर्ग या जो बाकी गार्डन्स हैं वहाँ तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने मेंटेन किया हुआ। देखिए कितना प्रॉपर एक सिस्टमेटिक हर चीज़, और अलग अलग टाइप के फूल। ये नज़ारा ना दिलकश नज़ारा है, हाँ तो दिल पे लगने वाला ये लम्हे, और ये स्टीम के साथ मज़ा आ गया। वहाँ से सूरज भी अब निकलने वाला है, तो थोड़ी थोड़ी उधर आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी और खूबसूरत मंजर, ये पीछे ऊपर टॉप पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। फ्रेंड्स अभी हम बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रैकिंग की वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप पीछे पहले देख लीजिए बड़ा खूबसूरत जो है मंजर है, ये पहाड़ और ये बर्फ, जो झील है बिल्कुल अभी हम वो झील के पास पहुंच चुके हैं, आपको झील भी दिखाई जाएगी। यहीं से बड़ा उसका प्यारा और बड़ा खूबसूरत व्यू है, तो पास आके भी हम आपको दिखाते हैं कि भाई कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है कि ये दिल को मोह लेने वाला नज़ारा होगा, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। मेरी पूरी टीम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो एरिया है बहुत ही डेंजर जोन में हम आ चुके हैं, वो सामने वाली गली है,
इसको हमने बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है। प्लस यहाँ ये जो लोकल है इम्तियाज भाई, ये कह रहे हैं कि अचानक से बहुत तेज़ हवाएं आ जाती हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं पहले। तो ये ऐसे देखो दोनों साइड पहाड़ है, तो बीच में ये दर्रा टाइप है, तो टोटली हमने ग्लेशियर के ऊपर से जाना है, नीचे दरिया है, तो एक तो बड़ी केयरफुली जाना है। जहाँ से एक आगे वाला बंदा चलेगा उसी को फॉलो करना है, उसके फुट स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जल्द से जल्द इसको हमने क्रॉस करना है। आप उस साइड लगाएं कैमरा, देखिए वो अच्छा, वो हमने क्रॉस करना है जी जी, हमने जल्द से जल्द। तो ये है कि यहाँ बिल्कुल आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को भूल जाएं। उसके बारे में बता दें, कुछ कह रहे थे कि जल्दी क्यों करना है, ये स्नो मेल्टिंग का भी मसला है, इसके ऊपर से क्रॉस करना है। तो एक चीज है कि जैसे ही यहाँ अब देखो सूरज की किरणें भी लग गई है, तो थोड़ी सी जैसे धूप पड़ती है तो ये स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, खतरे का बायस क्या, जैसे मेल्ट होगी तो नीचे पता नहीं कहाँ चले जाएगा इंसान, बहुत ज्यादा खाई है नीचे तो दरिया। तो एक चीज वो है, दूसरा ये है कि तेज हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है, ऊपर से स्टून भी आते हैं। देखो ये एकदम स्टून जोन है। तो दूसरा ये है कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इमीडिएटली सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें और जल्द से जल्द इस गली को क्रॉस करें। उसके बाद हम बैठेंगे वहाँ आगे, सर है बहुत खूबसूरत, सर है फर्स्ट जो लेक है, पहली लेक, वहाँ बैठेंगे, कॉफ़ी वगैरह भी आपको पिलाई जाएगी, रिलैक्स होंगे प्रॉपरली, लेकिन वहाँ तक नो रिलैक्सेशन, सो फॉलो मी एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। हाइट पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर हैं अभी हम, काफ़ी बहुत ही टफ हो चुका है यहाँ से निकलना, बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस है। ये देख सकते हैं काफी टफ रास्ता है ये, ये देखिएगा छोटी सी लेक है, हाँ पानी इसका जम चुका है लेकिन बड़ी ही प्यारी लेक है। हम अभी ये सामने जो आपको दिख रही है हाइट, इसको क्रॉस करना है। दिखने में तो ये बहुत कम है लेकिन फिर भी अभी काफ़ी टाइम लगना है, और बीच में काफ़ी इसका जो एरिया भी है, ये देखिए ये है एक झीलनुमा एरिया, ये फ्रोजन है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है लेकिन फ्रोजन है। हमारी जो बाकी वाली झील हैं वो आगे हैं लेकिन जो फर्स्ट वन है वो यही है, बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से ये कम्प्लीटली जो है वो फ्रोज हो चुकी है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके थे, काफ़ी सर्दी है यहाँ, पहले सामान उठा के चलने से थोड़ा सा बॉडी जो थी वो गर्म रही, लेकिन सांस फूल रही है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम बिल्कुल हाइट के ऊपर आ रहे हैं यहाँ से, आगे तो आसान हो जाएगा लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हाइट है। लेकिन लास्ट पे इतना थके हुए थे लेकिन ये नज़ारा देख, ये देखिए ये वाला नज़ारा देखिए, ये झील है, इट्स अ काइंड ऑफ लेक, लेकिन टेम्परेचर लो होने की वजह से पूरा फ्रीज हो चुका है। पीछे नज़ारे देखिए क्या खूबसूरत पल है, सारी थकान उतर गई है, तो जबरदस्त फ्रोजन लेक है ना, फ्रोजन फ्रोज हो चुकी है अमेजिंग। अगर ये बर्फ ना हो तो शायद ये हम झील देख पाते लेकिन ये फ्रोज हो चुकी है, इट्स अमेजिंग। अच्छा हम आगे भी चले जाते लेकिन मुझे लगता है कि खतरा हो सकता है कि अगर ये कहीं बीच में ये तो है ना बड़ा खतरे, काफी डेंजरस हो सकती है, रिस्क मतलब लेने का हमें फायदा नहीं है। जहाँ से हम चल के आए तो इधर धूप हो रही है जी, तो वहां से बादल आ रहे हैं, क्या खूबसूरत। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया था वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट खासकर, हमें भी खुद हम वहां के रहने वाले हैं लेकिन हमें भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना एरिया उसका हो सकता है और इतनी जगह है जो अभी एक्सप्लोर करनी बाकी है जी। मतलब हम 3-4 दिन हो गए हमें ऑलमोस्ट निकले हुए, तो अभी हम अभी भी हमने वो हद जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की क्रॉस नहीं की है। 3 दिन से प्रॉपरली हम एक दिन तो पीछे वाला भी है जो है थोड़ा गाड़ी का भी हमने जी किया, जी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक जो और अभी तक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत एरिया है, देखिए इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी
उनसे भी ये अपील करते हैं कि भाई ये टूरिज्म के इसको नक्शे पे लाया जाए, इस ट्रैक को जो है थोड़ा सा जो है टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। इतना बेहतरीन ट्रैक, मतलब मैंने बहुत जगहों पे हमने ट्रैकिंग की है, बहुत जगह हम घूमे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना प्यारा ट्रैक जो है ये पहली बार हमें देखने को मिला। जी जी जी, है ना। हम सभी से ये अपील करेंगे कि भाई इस ट्रैक को जरूर अपनाएं और यहाँ जरूर आएं, जरूर आएं। हाँ, अभी फ्रेंड्स बहुत सारी लेक्स आगे हैं जो बिल्कुल नजदीक हैं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सभी मंजर दिखाए जाएंगे, वो लेक्स, वो सारी चीजें जो है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो में, जो कमिंग वीडियो है उसमें आप जरूर देखिएगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे काम में कहीं कोई कमी लगती है तो आप जरूर उसको रिकमेंड कर सकते हैं। आपके जो रिकमेंडेशन हैं उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच।